गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, दिस इज योर फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम योर एसएसटी बुक। आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग। ठीक है, पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी जो करते हैं वही होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, मतलब कि क्रॉप्स को उगाना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है, मतलब कि खेती बाड़ी जो हम करते हैं उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर हैज प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब कि ह्यूमन को डेवलप करने में। ठीक है, इट अलाउड अर्ली ह्यूमंस टू लीड अ सेटल्ड लाइफ, और ये क्या करता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनको एक सेटल्ड लाइफ जीने में हेल्प करता है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, और इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। जैसे कि आपको पता है इंडिया में ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं और क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, अगर खेती बाड़ी वो लोग नहीं करेंगे तो फिर इंडिया में मतलब लोग क्या खाएंगे, और खाने पीने के लिए तो कुछ होगा ही नहीं। तो मेन जो ऑक्यूपेशन होता है हमारे इंडिया में वो क्या है? फार्मिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक ऑफ 2000 ऑफ ईयर। अब हम देखें कि हजारों साल पहले से हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से ही लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, है ना। टुडे इंडिया रैंक सेकंड इन द फार्म आउटपुट वर्ल्ड वाइड, और अब क्या है, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर आता है फार्मिंग करने में। ठीक है, मतलब खेती बाड़ी में 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जो कि खेती बाड़ी करती है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड फॉर पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर क्या करता है? लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करता है, और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ जो होते हैं वो उनको देता है। अबाउट 33% ऑफ आर टोटल नेशनल इनकम्स कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, और हमारे पूरे राष्ट्र की 33% जो इनकम है वो कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से आती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, कि जो क्रॉप्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं जो उगाई जाती हैं, फसलें जो होती हैं वो 3 तरह की उगाई जाती हैं। और कौन कौन सी? खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और कैश क्रॉप। ठीक है, या फिर प्लांट, उसको कैश क्रॉप को प्लांटेशन क्रॉप भी बोला जाता है। द खरीफ सीजन ब्रिंग इन अप्रैल एंड कंटिन्यूज टिल जुलाई। जो खरीफ सीजन्स हैं वो अप्रैल में शुरू होते हैं और जुलाई तक चलता है। खरीफ क्रॉप और राइस, खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आता है, जैसे कि राइस हो गया, मिलेट्स हो गया, सुगर कैन और ये सब चीज़ें खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन विंटर, और ये क्रॉप जो होती हैं वो विंटर्स में हार्वेस्ट की जाती है। अब हम बात करेंगे रवि सीजन्स के बारे में। रवि सीजन बिगन इन अक्टूबर एंड कंटिन्यूज टिल फरवरी, और ये रबी सीजन जो होता है, रबी क्रॉप जो होती है वो कब उगाई जाती हैं? अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। ठीक है, और जो इसमें क्या शामिल होता है, गेहूं हो गया, चने, जौ, दालें, मस्टर्ड, सरसों जो होती है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। इनको कब हार्वेस्ट किया जाता है, कब इनको निकाला जाता है? समर में इनको निकाला जाता है, मतलब गर्मियों में। इंडिया हैज डाइवर्स क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। इंडिया जो है वो डाइवर्स क्लाइमेट है, मतलब उसमें सभी क्लाइमेट्स होते हैं, ठंडी, गर्मी, रेनी, ये सब क्लाइमेट्स उसमें उसके चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इन द कंट्री, और इसी वजह से इस कंट्री में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप होती है वो उगाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फूड क्रॉप्स के बारे में। फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू फीड पीपल इन द कंट्री। फूड क्रॉप्स किस लिए उगाई जाती हैं? ताकि कंट्री के जो लोग हैं उनको खाना दे सके, मतलब उनको खाने के लिए वो क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं। दे फ्रॉम द स्टेबल डाइट ऑफ द पीपल, वो एक स्टेबल डाइट है पीपल का, जैसे कि जो लोग नॉर्मली खाते हैं चावल, गेहूँ, दाल,
ये सब चीजें जो मेन क्रॉप्स होते हैं जो नॉर्मली लोग खाते हैं वो सब चीजें फूड क्रॉप्स में आती हैं। अब हम बात करते हैं राइस के बारे में। राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप। राइस जो है वो आपको पता है कि राइस चावल जो होता है वो सब लोग कितना खाते हैं, मतलब चावल तो सबको पसंद होता है और सबके घर में एक या दो दिन बाद तो चावल बनता ही बनता है, किसी किसी घर में तो रोज बनता है। तो ये क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है, ठीक है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। और ये जो है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगाया जाता है थोड़ी बहुत रेनफॉल के साथ, जब थोड़ी बहुत बारिश होती है उसके साथ, ठीक है। ये कहाँ उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरल। ये जो है ये सारे स्टेट्स जो हैं वो राइस इस सारे स्टेट्स में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वीट। वीट इज द स्टेबल फूड इन इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। वीट जो है वो एक नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का स्टेबल फूड है जो वहाँ पे उगाया जाता है। इट ग्रोज वेल इन कूल, और इनको ठंड में उगाया जाता है, वेट क्लाइमेट, और जब वेट क्लाइमेट होता है मतलब थोड़ा ठंडा क्लाइमेट होता है तब। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारे जो हैं वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे वीट उगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मिलेट्स। मिलेट्स आर ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रेन। ये जो है वो स्मॉल सीडेड ग्रेन का एक ग्रुप होता है। दे इंक्लूड इसमें क्या आता है, जोहर, रागी, बाजरा जो होता है ना, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। दे आर ग्रोन इन एरियाज डेट आर अनसुइटेबल टू ग्रो राइस एंड वीट। और ये उन जगहों पर उगाया जाता है जहाँ पर चावल और गेहूँ की खेती नहीं की जा सकती। दे आर मोस्टली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका। इनको कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी इलाकों में, इन सभी स्टेट्स में उगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पल्सेस। पल्सेस आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। और जो पल्सेस हैं वो हर जगह पूरी कंट्री में उगाई जाती हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। इंडिया जो है दालों का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो दालें उगती हैं वो इंडिया में उगती हैं। दे आर ग्रोन इन रीजन्स विद ड्राई क्लाइमेट। और ये जो है वो सूखे क्लाइमेट में इनको उगाया जाता है। और ये कहाँ पे उगती हैं? सबसे ज़्यादा जो दाल है वो मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। और इसको फॉलो इंडिया में इनको फॉलो मध्य प्रदेश में उगाई जाती है, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी दालें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। द कैश द क्रॉप्स विच कैन अर्न मनी पर्टिकुलरली फॉरेन एक्सचेंज आर कॉल्ड आर नोन एज कैश क्रॉप। देखो वो क्रॉप जिसको हम एक्सचेंज करके हमें पैसे मिलते हैं उसको कहा जाता है कैश क्रॉप, ठीक है। जैसे कि हम फॉरेन में अपने यहाँ की जो फसलें हम उगाते हैं वो फॉरेन में अगर हम बेचते हैं और हमें उससे रिटर्न में पैसे मिलते हैं तो फिर उसको कहा जाता है कैश क्रॉप, ठीक है, जिससे हम कुछ अर्न करते हैं। सुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड, जूट, टी, कॉफ़ी और ये सारे कुछ कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है, जिनसे हम पैसे कमाते हैं। अब देखो सुगर कैन, इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर कैन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है शुगर कैन यानी कि गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला देश है, ठीक है, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है गन्ना। इट इज़ ग्रोन मेनली इन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड बिहार। और ये कहाँ उगता है ज़्यादा, कहाँ इनको उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार में। शुगर एंड जैगरी चीनी और गुड़ जो होता है वो शुगर कैन से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉटन। दिस इज़ द मेन फाइबर ऑफ क्रॉप इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में जो है मेन फाइबर है। इट रिक्वायर्स ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड ब्लैक सॉइल टू ग्रो। और इसको ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होते हैं, ब्लैक सॉइल चाहिए होते हैं इसको उगने के लिए, ठीक है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑयल सीड्स। ऑयल सीड इंक्लूड मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसेम, लिनसीड, रैपसीड, कॉटन सीड, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन। ऑयल सीड में सारे सीड्स आते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड का। ग्राउंडनट इज
नट्स ग्रोन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, ग्राउंडनट जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र में उगाए जाते हैं, रैपसीड जो है वो रैपसीड और मस्टर्ड सीड जो है वो प्रोड्यूस अलॉन्ग विद वीट एंड ग्राम, इनको चने और गेहूं के साथ इनको उगाया जाता है। द ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सॉयल सीड्स, जब ऑयल निकाला जाता है सॉयल सीड्स से तो फिर वो कुकिंग में, साबुन बनाने में और टॉयलेट गुड्स में यूज किया जाता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जूट। जूट इज यूज टू मेक कार्पेट, जूट का यूज किया जाता है कार्पेट बनाने में, बैग्स बनाने में, रोप्स बनाने में। इट ग्रोन वेल इन वेस्ट बंगाल, और ये कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में उगता है, बिहार में, उड़ीसा में, ठीक है। और अदर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट, और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे जूट उगाया जाता है। जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, और जूट को इंडिया का गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। क्लास आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं।